मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में नवागत परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने विभागीय गतिविधियों एवं राजस्व अर्जन के विभिन्न मुद्दों पर खबर भारत से विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा परिवहन के क्षेत्र शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है, जिससे आमजन राहत महसूस कर रहे हैं। चर्चा में परिवहन आयुक्त ने अन्य विभागीय विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारे साथ मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री संजय झा जी हैं, और जिन्होंने जो अभी परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवहन विभाग के लिए। और जो मेरा आपसे सवाल है कि सर, जो परिवहन विभाग के अंदर रोटेशन प्रणाली है, छमाही रोटेशन, तो छमाही रोटेशन होते तो हैं, लेकिन इसके अंदर जो पहले फॉर्मेट था, जैसा मैंने देखा है कि जो व्यक्ति छः माह कार्यालय में है वो व्यक्ति छः माह फील्ड में जाएगा और अगले छमाही रोटेशन पर चेंज हो जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी लगभग अब गायब सी हो गई। जो फील्ड में है वो फील्ड में ही है, जो कार्यालय में वो कार्यालय में बाबू बन के रह गया। देखिए, स्थानों पर जो ऑफिसर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और उनकी कार्य क्षमता वगैरह के आधार पे भी उनकी पोस्टिंग की जाती है, लेकिन ये प्रयास होता है कि सभी को उसमें, सभी का समावेश उसमें हो। लेकिन चूंकि कई सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे काम हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, वो भी हो रहे हैं साथ में, तो लेकिन भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो रोटेशन पॉलिसी है उसका पूर्ण रूप से पालन। दूसरा सर, जो सवाल है कि जैसे जो अपने अटैच वाहन होते हैं विभिन्न विभागों के अंदर, उनको लेकर के पिछले समय में एक पॉलिसी बनी थी कि उन ऐसे विभागों में वाहनों को चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेंगे ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। सर, इस विषय पर, लेकिन ये योजना बनी पर कारगर नहीं हो पाई, इस पर क्या कहें? ये योजना पूर्व में बनाई गई है और इसके ऊपर काफ़ी काम भी हुआ है, इसके ऊपर चर्चा भी हुई है। चूँकि अभी मैंने पदभार ग्रहण ही किया है तो मेरे संज्ञान में ये बात आई है। हम अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे।